हाय गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो टेक एच नाइन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आता होगा जब आप अपने मोबाइल की इंटरनेट को ऑन करते हो या वाईफाई को ऑन करते हो। आपके व्हाट्सएप से काफ़ी सारे मैसेज एक बार में ही आपको रिसीव होने लगता है और आपका फ़ोन जो है वो हैंग होने लगता है या फिर रुक रुक के चलने लगता है। या फिर आप यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो देख रहे हो या इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आपके व्हाट्सएप से बार बार आपको मैसेज रिसीव होने लगता है। और आप अगर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन किए हो तो ग्रुप से तो ऐसे ही मैसेज आता रहता है, आलतू फालतू मैसेज, तो आप उससे इरिटेट हो जाते होगे, परेशान हो जाते होगे, जैसा मैं होता हूँ। तो आप चाहते होगे कि क्या हम इसको कभी डिसेबल कर सकते हैं या फिर जब मैं चाहूँ तब ये मैसेज आए और ना चाहूँ तो मैसेज ना आए। अगर हम एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो हमारी डाटा भी ऑफ हो जाती है और उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप के मैसेज को बंद कर सकते हो कुछ टाइम के लिए और दोबारा उसको चालू कर सकते हो जब आपकी मर्जी हो तब। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा ट्रिक आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। तो हम अपने व्हाट्सएप में जाते हैं, व्हाट्सएप को ऑन करते ही यहाँ पे आपको कुछ सिंपल सा इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप से कुछ अलग इंटरफेस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ अलग चेंजिंग इसमें आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इस व्हाट्सएप में है। तो इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, यहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिख रहा है सबसे आगे में मेन फ्रंट पे। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, इस एयरप्लेन मोड वाले ऑप्शन जो है इसको आपको दबा देना है, यानी क्लिक कर देना है उस ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे ओके कर देना है। ओके जैसे ही कर दोगे तो आपके आपका जो व्हाट्सएप है वो अब ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एयरप्लेन मोड का ये ऑन हो जाएगा और अब आपके व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज आपको रिसीव नहीं होगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको अपना दूसरे व्हाट्सएप से मैसेज करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि रिसीव होता है या नहीं होता। तो इसमें से तो इस व्हाट्सएप से मैं यहाँ पर मैसेज करूँगा अपने रियल वाले व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मैसेज कर दिया है और अभी तक यहाँ पर डबल टिक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हमें मैसेज अभी तक नहीं आया है। तो चलते हैं अब उस WhatsApp पे और देखते हैं वहाँ पे मैसेज आया है नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कोई भी मैसेज नहीं आया। तो अब हम दोबारा इसको ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे फिर से रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमने ऑफ़ किया तो मैसेज आ गया जो हमने तभी सेंड किया था, ठीक है। तो दोबारा से हम सेंड करते हैं, अभी ऑफ़ है। तो अभी जैसे ही हम मैसेज करेंगे तो इंस्टेंट हमको रिसीव हो जाएगा मैसेज। आप देख सकते हैं डबल टिक लग चुका है और यहाँ पे हमको मैसेज भी रिसीव हो चुका है। तो यही ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से आपको मैसेज नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहोगे, और जब आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो सारे मैसेज मतलब सारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल सा स्टेप्स है, इसको आपको फॉलो करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइप के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है और उसके साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है 9.0 वर्जन, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने से पहले आपको अपने पहले वाले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है, और जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद रजिस्टर करना है, उसके बाद बैकअप का ऑप्शन आएगा तो बैकअप कर लीजिएगा। सारा डाटा मतलब जितना भी चैट होगा वो आपके इस वाले व्हाट्सएप में नए वाले व्हाट्सएप में अपने आप आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।